बच्चों, आज मैं आपको एक और नई कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है महात्मा बुद्ध और अंगुलीमाल। बहुत समय पहले सोनापुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव के लोग बहुत अच्छे थे, लेकिन हर समय उन सबके मन में डर की लहर दौड़ती रहती थी। शाम को सूरज ढलते ही पूरे गांव में सन्नाटा छा जाता था और कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता था। एक दिन गांव में दो मुसाफिर आए। वाह, कितना सुंदर गांव है, हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। हाँ, ये तो है। चलो गांव में किसी से रात बिताने के लिए जगह पूछते हैं। बाबा, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? बोलो बेटा, क्या हुआ? बाबा, हम मुसाफिर हैं, आज रात यहीं रुकना चाहते हैं। क्या आप यहाँ रुकने के लिए कोई जगह बता सकते हैं? बेटा, पास में मेरा घर है, तुम दोनों वहाँ ठहर सकते हो। हमारे गांव में मेहमान भगवान समान है। ये बोलकर वृद्ध आदमी दोनों मुसाफिरों को अपने घर ले जाता है और उनकी अच्छे से खातिरदारी करता है। फिर दोनों मुसाफिर गांव घूमने निकल जाते हैं। शाम हो जाती है और सभी अपने अपने घर की तरफ भागने लगते हैं। सभी को ऐसा भागते देख दोनों मुसाफिर असमंजस में पड़ जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है? सब इतनी जल्दबाजी में अपने घरों की तरफ क्यों भाग रहे हैं? पता नहीं, चलो किसी से पूछते हैं। वो दोनों रास्ते में लोगों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी नहीं रुकता। देखते ही देखते पूरे गांव में सन्नाटा छा जाता है। दोनों मुसाफिर वृद्ध आदमी के घर वापस जाते हैं। अच्छा हुआ बेटा, तुम दोनों समय से घर वापस आ गए। मुझे तुम्हारी ही चिंता लगी हुई थी। क्यों बाबा, ऐसा क्या हो गया है? बाहर भी अचानक भागम भाग शुरू हो गई थी। बेटा, ये सब उस अंगुलीमाल की वजह से है। शाम होते ही वो अपनी गुफा से बाहर निकल आता है और फिर जो भी उसे अपने सामने दिखता है उसका सारा सामान लूटकर उन्हें मार देता है और उनकी उंगलियां काटकर उसकी माला बनाकर गले में पहनता है। इसलिए शाम होते ही सभी गांव वाले बिना किसी देरी अपने अपने घरों में चले जाते हैं। वृद्ध आदमी की बात सुनकर दोनों मुसाफिर बहुत डर जाते हैं। ये हम कहां फंस गए? इसके बाद दोनों मुसाफिर अंगुलीमाल के डर की वजह से रात भर सो नहीं पाते और सुबह होते ही दोनों गांव छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे ही दिन पर दिन बीतते जाते हैं, लेकिन सोनापुर गांव में अंगुलीमाल का खौफ और आतंक जरा भी कम नहीं होता, जिसकी वजह से सारे गांव वाले हमेशा परेशान रहते हैं। एक दिन कुछ गांव वाले एक मंदिर में इकट्ठा होते हैं और भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं। हे भगवान, हमारी मदद करो। भगवान, कृपया हमें जल्द ही इस अंगुलीमाल से छुटकारा दिला दीजिए। हम पर कृपा कीजिए भगवान। कोई चमत्कार दिखाओ भगवान। ये बोलते हुए सभी गांव वाले परेशान और उदास मंदिर में खड़े रहते हैं। तभी उन्हें मंदिर के बाहर से एक आवाज सुनाई देती है। कोई है? क्या कुछ समय के लिए हम यहाँ शरण ले सकते हैं? आवाज सुनकर सभी लोग मंदिर से बाहर आते हैं और महात्मा बुद्ध को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। वह उनका स्वागत करते हैं और उनकी आवभगत में लग जाते हैं। सभी बहुत खुशी से बुद्ध की सेवा करते हैं, लेकिन बुद्ध गांव वालों की इस खुशी के पीछे छुपा दुख और डर पहचान लेते हैं। आप सभी इतने परेशान और उदास क्यों हैं? क्या कोई बात है जो आप सभी को परेशान कर रही है? महात्मा जी, हमारा पूरा गांव बहुत परेशानी में है और उसी वजह से सभी गांव वाले बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं। हर शाम उसके आने का खतरा बना रहता है, जिसकी वजह से हमारा दैनिक जीवन बहुत प्रभावित होता है।
आप सभी इतने ज्यादा भयभीत हैं कि कोई भी सही तरीके से कुछ भी बता नहीं पा रहा है। पहले आप शांत हो जाइए और फिर हमें पूरी बात बताइए। महात्मा बुद्ध की इस बात पर सभी शांत हो जाते हैं। फिर उनमें से एक आदमी खड़ा होकर शांति से महात्मा बुद्ध को अंगुलीमाल और उसके आतंक के बारे में पूरी बात विस्तार से बताता है। आप सब परेशान मत होइए, बहुत ही जल्द आप सबको अंगुलीमाल के आतंक से छुटकारा मिल जाएगा। महात्मा बुद्ध की बात सुनकर सभी गांव वाले शांति से अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह से सभी गांव वाले अपने कामों में व महात्मा बुद्ध की सेवा में लग जाते हैं। देखते ही देखते दिन बीतता है और शाम होते ही महात्मा बुद्ध जंगल की तरफ निकल जाते हैं। महात्मा बुद्ध को आते देख अंगुलीमाल उन्हें मारने के लिए खड़ा हो जाता है, लेकिन बुद्ध अंगुलीमाल की तरफ ना देखते हुए सीधा आगे बढ़ जाते हैं। अंगुलीमाल से ये सब सहा नहीं जाता और वो बुद्ध के पीछे भागने लगता है। सन्यासी, मुझसे बचकर कहां जा रहा है? वहीं रुक जा, आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अंगुलीमाल ये सब बोलता हुआ बुद्ध के पीछे पीछे भाग ही रहा होता है कि तभी एक तेज चमक उसकी आंखों में पड़ती है और वो अपनी जगह पर रुक जाता है। सन्यासी, मैं इस राज्य का सबसे शक्तिशाली इंसान हूँ, सभी मुझसे डरते हैं। तुम्हारे पास जो भी माल है जल्दी से निकाल दो, नहीं तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। लेकिन मैं ये कैसे मान लूं? मुझे इस बात पर यकीन दिलाने के लिए तुम्हें ये साबित करना होगा कि तुम ही इस राज्य के सबसे शक्तिशाली इंसान हो। कैसे साबित करना होगा? मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ ज्यादा नहीं, तुम्हें बस उस पेड़ के 10 पत्ते तोड़ कर लाने हैं। बस इतना ही? ये तो बहुत ही आसान है। ये लो 10 पत्ते। पत्ते तो तुमने तोड़ लिए, लेकिन तुम सबसे शक्तिशाली हो। वो हम तभी मानेंगे जब तुम इन पत्तों को दोबारा पेड़ पर लगा दोगे। टूटे हुए पत्ते कभी वापस पेड़ पर लगते हैं क्या? जब तुम इन पत्तों को वापस जोड़ नहीं सकते तो तुम सबसे शक्तिशाली कैसे हुए? यदि तुम किसी चीज को जोड़ नहीं सकते तो उसे तोड़ो भी मत। इसी प्रकार यदि तुम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो तुम्हें किसी को मृत्यु देने का भी कोई अधिकार नहीं है। महात्मा बुद्ध की बातें सुनकर अंगुलीमाल को उसकी गलतियों का एहसास हो जाता है और वो अपने सभी गलत काम छोड़कर महात्मा बुद्ध का शिष्य बन जाता है व उसी गांव में रहकर सभी की सेवा करने लगता है। हेलो दोस्तों, आप सभी को कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट्स कर जरूर बताना। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कोई भी इंसान कितना भी बुरा क्यों ना हो, सही ज्ञान और सही सीख किसी का भी हृदय परिवर्तन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शोज सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।